नमस्कार, मैं हुतोशी और आप देख रहे हैं India.com और क्रिकेट कंट्री। 7 सालों के बाद टीम इंडिया जो है वो बांग्लादेश के टूर पर गई है। इस टूर पर जो है ODI सीरीज खेलने वाली है भारत बांग्लादेश के साथ। ये सीरीज जो है वो 3 मैचों की होने वाली है। पहला मैच जो है भारत और बांग्लादेश का 4 दिसंबर को होने वाला है शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका में। इस सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक बार फिर से वापसी करी है। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि आखिर कौन से प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 जो है वो पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उतरने वाले हैं मैदान में। साथ साथ आप भारत से कैसे इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं, आइए वीडियो में आगे डिटेल में जानते हैं। एक नजर डालते हैं टीम इंडिया और टीम बांग्लादेश के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 पर। तो भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर या फिर दीपक चहर में से कोई ना कोई एक तो जरूर रहेगा। वहीं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज जो है वो भारत के प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो तमीम इकबाल कप्तान, लिटन दास, नजमुल हुसैन शंतोम, मुशफिकुर रहमान, मोहम्मदुल्ला, आतिफ हसन, मेहदी हसन, शौरिफुल इस्लाम, हसन महमूद, मुस्तफिजुर रहमान और इबादत हुसैन जो है वो बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर भारत को टक्कर देने उतर सकते हैं। तो ये थे टीम इंडिया और बांग्लादेश के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। वहीं दोनों टीम्स की हिस्ट्री की बात करें तो ये दोनों टीम्स जो है कुल 36 बार ODI मैचेस में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ चुकी है। वहीं भारत ने जो है वो 30 मैचों में जीत हासिल करी है। वहीं बांग्लादेश को केवल 6 मैच में ही जीत मिली है। तो इन स्टैट्स को देखें तो भारत का पलड़ा जो है वो बांग्लादेश के ऊपर डेफिनेटली भारी है। ये मैच अगर आप भारत से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सोनी नेटवर्क पर ये मैच जो है वो टीवी पर देख सकते हैं। साथ साथ ऑनलाइन अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्कोर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट India.com और क्रिकेट कंट्री पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये थे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के पहले ODI मैच की फुल मैच अपडेट्स। वहीं से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर डटे रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।